एक्सरसाइज 5.3 की 10th क्लास का इफ द सम ऑफ 11th क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी. अब की बार क्या दिया इन्होंने सम दे दिया आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स. एंड टर्म्स का सम क्या है लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था टर्म दी थी ए एन की फॉर्म दी थी आपको इसमें क्या दे दिया एस एन. टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर. तो क्वेश्चन क्या पूछा है ना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1. हिंट भी दे दिया आपको कि दैट इज s1. s1 ही आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो भी बताऊंगा कैसे होगी. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पहली दो टर्म्स का सम क्या है. व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या है. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ एंड nth टर्म ऑफ एनी. ठीक है nth टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है. पहले आपको बता देता हूं जैसे कोई हमारे पास ap है 1 2 3 4. ठीक है अगर मैं बोलूं एक ap है मेरे पास 1 खाली अकेला 1 तो इसका सम क्या होगा. एक ap है तो एक ही होगा तो s1 हो गया आपका 1. अगर आपके पास दो टर्म हो 1, 2 तो इन दोनों का सम क्या होगा. दोनों का सम हो जाएगा 2 और 3. 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. इससे हमारा S2 निकल के आया. अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर देता हूं S2 क्या हमारा 3 और S1 है माइनस 1 किया तो आपका सेकंड 2 आ गया. 2 आना दैट मीन्स आपकी सेकंड टर्म तो ए टू आपकी हो गई 2. और अगर आपको तीन टर्म है जैसे तीन टर्म हो गई आपके पास 1, 2, 3 तो इन तीनों का सम क्या होगा एस थ्री. इन तीनों को प्लस किया 3 और 1 4 5 6 तो एस थ्री की वैल्यू क्या आ गई 6. तो एस थ्री में से मैं माइनस कर दूं एस टू. S2 क्या आपका S2 है आपका 3 तो आपका 6 S3 है 6 माइनस 3 दैट मीन्स आपका आ गया 3. 3 क्या है आपकी थर्ड टर्म तो A3. आप अगर सम में से जो जिस भी टर्म का सम निकालोगे उससे पिछली टर्म वाले का सम माइनस कर दोगे तो वो आपकी टर्म आ जाएगी. S3 में से आपने माइनस कर दिया S2 तो दैट मीन्स आपके पास बच गई अकेली A3 टर्म. सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा वैसे समझाया. अब क्वेश्चन करते हैं सोल्व. तो आपको दे दिया सम ऑफ n टर्म दैट मीन्स Sn. सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. ठीक है तो S1 क्या हो गया आपके पास 4 into 1 n की जगह आपका 1 आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर तो 4 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 3. तो S1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3. S1 की 3 आ गई तो A1 भी आपका आ गया 3. फर्स्ट टर्म आ गई आपकी ये A1. अब उसे बोला गया फाइंड द व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म आपकी आ गई है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म का सम तो आप एज इट इज निकालोगे S2 इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दैट मींस आपका आ गया 4 into 2 s की n की जगह आपका आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 2 8 माइनस 4 तो आपका आ गया सम आ गया 4 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू 2. ये एस टू आ गया आपका 4. एस टू की वैल्यू आ गई आपकी 4. अब आपने उसे पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म क्या होगी सेम कैसे यहां पे हमने सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या किया था एस टू माइनस एस वन तो आपकी A2 आ जाएगी S2 माइनस S1. तो आपने S2 क्या आपके पास 3 और S2 आपके पास आए ये
4 और S1 क्या है माइनस S1 3, तो आपके पास आ गया 1, तो दैट मींस A2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1, ठीक है। A1 आ गया आपके पास, A2 आ गया, आप इसे A3 भी निकाल सकते हो, A1 है आपके पास 3, A2 है आपके पास 1, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया D, A2 माइनस A1 दैट मीन्स आ गया आपका 1 - 3 = -2, डी की वैल्यू आ गई आपके पास -2, आपके पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, D भी आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आप A3 = A + 2D, ये आपका जो An वाला फॉर्मूला है, An = A + N - 1 × D, सेम आप A3 का लो A + 2D, N में क्या है 3 - 1 2 2D, तो A3 = A क्या आपके पास 3 + 2 × D क्या है -2, तो 3 2 2 = 4, माइनस का साइन आया क्योंकि एक माइनस का इसमें माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस का साइन आएगा, तो A3 = -1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द टेंथ टर्म, टेंथ टर्म आप A10 = A + 9D, A10 = A क्या आपके पास A है आपके पास 3 + 9, D क्या आपके पास -2, 3 - 18, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास A10 की वैल्यू आ गई आपकी 3 - 18 दैट मीन्स -15, A10 की वैल्यू भी आपके पास आ गई 15, तो उसे बोला कि फाइंड द nth टर्म निकालनी है, तो दैट मीन्स आपको निकालना an, an क्या होगा an = a + n - 1 × d, अब n की वैल्यू इस इन्होंने दी नहीं तो n को एज इट इज रखेंगे, a की वैल्यू क्या आपके पास 3 + n - 1 × d क्या है -2, तो 3 + इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर -2 की -2n और -, प्लस हो जाएगा ये -2 का -2 के 1 के साथ किया -1 के साथ, तो प्लस का 2, 3 + 2 = 5, प्लस -2n, nth टर्म आ गई आपकी 5 - 2n, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत इजी था, आपने फर्स्ट टर्म निकाल ली, पहले ये समझो कि फर्स्ट टर्म ए टर्म होगी अगर हमारी, उसका सम भी एक ही होगा, जैसे फर्स्ट टर्म निकाली आपने 1, ए टर्म है आपके पास ओनली 1 टर्म यू है ए नहीं पी, देन फिर आपको क्या करना है S1, उसका इस एक टर्म का सम क्या होगा, एक ही होगा, कुछ और तो है नहीं आगे टर्म यहाँ पे देखी, तो आपने S1 ही हमारा A1 होगा, अगर दो टर्म का सम पता गया तो दोनों को ऐड करके लेगा 3, तो A2 क्या गया S2 - S1, तो आपका 2 आ गया। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर आपने किया, Sn की वैल्यू दे रखी थी, सम ऑफ n टर्म्स आपको ये दिया हुआ था, तो S1 की वैल्यू निकाल ली आपने यहां पर, S1 की वैल्यू आ गई आपकी 3 और A1 की भी 3 ही होगी, जो फर्स्ट टर्म होगी एक टर्म का सम 1 ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपने S2 की वैल्यू निकाली 4 आ गई, तो A2 क्या होगा S2 - S1, तो A2 आपकी 1 आ गई, A1 A2 आ गई, तो आप कॉमन डिफरेंस इजली निकालोगे, फिर आप इनमें फॉर्मूले में पुट करके इजली करोगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी किया था,